चलिए तो डिस्कस करते हैं कॉर्पोरेट लॉ में मीनिंग एंड कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए जो कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट होता है मीनिंग क्या है इसका एमओए का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी किसी भी कंपनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इट स्टार्ट states the object of which a company is formed it contain the rights privilege and power of the company hence it is called the charter of the company it is treated as constitution of the company and it determine the relationship between the company and outsider मतलब क्या है तो ये कंपनी का ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है और इसमें बहुत ऐसी सारी कंटेंट होती है जिससे हम चार्टर ऑफ कंपनी कहते हैं उसके अंदर सारी लीगल रूल होता है पॉलिसीज होता है लीगल रूल है पॉलिसी है जिसके कारण इसी के बेस पे कंपनी रन करती है जिसमें कंटेंट देखोगे तो कंटेंट से क्लियर होगा किसके अंदर कंपनी का नाम है कंपनी का ऑब्जेक्ट है कंपनी की लाइविलिटी है कंपनी के सब्सक्राइबर हैं शेयर है शेयर होल्डर हैं ये सारी डिटेल है तो इससे क्या होती है कंपनी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन है अदर के साथ उसकी क्या रिलेशन है वो सारी चीजों को वो डिफाइन करता है सारी चीजों को वो define करता है है एंड के साथ उसकी क्या relation है। अब देखो यहाँ पर इसके content क्या है content को देखोगे तो क्लियर हो जाएगा कंटेंट क्या है कंटेंट ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबसे पहला कंटेंट है नेम क्लॉज सेकेंड है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज थर्ड है ऑब्जेक्ट क्लॉज फोर्थ है लाइवलिटी क्लॉज फिफ्थ है कैपिटल क्लॉज एंड सिक्स है सब्सक्रिप्शन क्लॉज नई कंपनी एक्ट जब से आई है उसमें वन परसेंट कंपनी आया है ओपीसी पी वन परसेंट कंपनी तब से एक और क्लॉज जुट जाता है नॉमिनीज क्लॉज ऐसे जनरली हम लोग छह ही क्लॉज पढ़ते हैं इसका डिस्क्राइब किया जाए कि सर ये है क्या नेम क्लॉज क्या है तो देखो नेम क्लॉज के अंदर क्या आता है तो द नेम क्लॉज कंपनी शुड बी स्टार्टेड इन दिस क्लॉज कंपनी इज फ्री टू सेलेक्ट एनी नेम इट लाइक बट द नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल एंड सिमिलर टू दैट अ कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर कोई कंपनी पहले से रजिस्टर्ड है तो उस कंपनी के मिलता जुलता नाम या उस कंपनी का नाम नहीं आप रख सकते आपको डिफरेंट नाम रखना पड़ेगा और कुछ और भी चीज है इट शुड नॉट ऑल्सो यूज वर्ड लाइक किंग क्वीन इम्पेरियर गवर्नमेंट बॉडीज एंड द नेम ऑफ वर्ल्ड बॉडीज लाइक यू एन ओ डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा यानी ऐसा भी नाम आपको नहीं रखना है जिससे किसी किंग का एम्पेरियर का गवर्नमेंट बॉडीज का एंड वर्ल्ड बॉडीज लाइक यू एन ओ का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक का नाम वहां पर आई एम एफ का नाम वो सब जुड़े दिखे ऐसा ना हो कि अरे वो तो उसका नाम दिखता है ऐसा है तो कंपनी का नाम हट के ऐसा होना चाहिए एंड इफ

ओके okay. आगे बढ़ते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज आपका रजिस्टर्ड ऑफिस भी मेंशन होना चाहिए कि जैसे ही आप कंपनी बनाते हो तो आपका किस रजिस्टर्ड ऑफिस के माध्यम से आपका कंपनी चलेगा एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए कि कहाँ पर आपका ऑफिस है जिससे आपका एड्रेस वगैरह मेंशन हो हर डॉक्यूमेंट में आपका वो सारी चीजें वहां होनी चाहिए इन दिस क्लॉज द नेम ऑफ स्टेट वेयर ऑफिस इज लोकेटेड

दस तीस दिन के अंदर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस दिखाना होगा उसका डिटेल आपको रजिस्टर्ड ऑफिस के पास भेजना होगा जैसे बोलते ना पीके राय कॉलेज पी के राय कॉलेज का एक प्लेस है ना जी कि, हाँ सर पीके राय कॉलेज धनबाद में इस प्लेस में है तो उसी टाइप से कंपनी बनाओगे तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उस चीज को बताना किस में मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लॉज कंपनी के ऑब्जेक्ट क्या है क्लियर ऑब्जेक्ट मेंशन होना चाहिए क्लॉज स्पेसिफिक द ऑब्जेक्ट फोर विच द कंपनी बनाई गई है इट डिफिकल्ट अल्टर द ऑब्जेक्ट क्लॉज लेटर ऑन बाद में तुम क्या कर सकते हो कंपनी का ऑब्जेक्ट को अल्टर करने में प्रॉब्लम आती है इसीलिए अभी ही जरूरी है तुम्हारे लिए की जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है वो क्लियर होना चाहिए क्लियर ही होना चाहिए एकदम साफ सुथरा दिखना चाहिए एंड हर चीज वहाँ पर मैंसर होना चाहिए फ्यूचर में उसको चेंज करने की आवश्यकता ना पड़े द ऑब्जेक्ट क्लॉज मस्ट कंटेन द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी एंड अदर ऑब्जेक्टिव नॉट इंक्लूडेड क्लियर है एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज लाइवलिटी क्लॉज ओके लाइवलिटी क्लॉज लाइविटी क्लॉज क्या है दिस क्लॉज स्टार्ट द लाइविलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ कंपनी द लाइविटी मे बी लिमिटेड बाई शेयर और बाई गारंटी द क्लॉज मे बी स ऑफ अनलिमिटेड लाइविलिटी अनलिमिटेड लाइवलिटी है तो इसको दिखाने की आवश्यकता भी नहीं है लेकिन लिमिटेड वाई गारंटी हो लिमिटेड वाई शेयर हो तो उसको वहां मैंसन करने की आवश्यकता पड़ती है वो बतानी पड़ती है कि आपकी लाइविलिटी कैसी है नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल क्लॉज कैपिटल क्लॉज क्या हो गया तो उसमें कैपिटल मैंसन करना होगा कि कितना कैपिटल है आपको वहीं पर दिखाना होगा कैपिटल कितना है

डिक्लेरेशन लेटर उनका नाम वो सारी चीजें वहाँ मेंशन होनी चाहिए कंटेन जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है इट कंटेन द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सब्सक्राइबर द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम मस्ट टेक एटलीस्ट वन शेयर सब्सक्राइबर कम से कम एक शेयर उसके पास होना चाहिए वही सब्सक्राइबर होगा द मिनिमम नंबर ऑफ मेम्बर इज टू इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड सेवन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी ये तुम लोग पहले जानते हो कि सर प्राइवेट कंपनी में हमको कितना चाहिए तो कम से कम दो मेंबर चाहिए एंड पब्लिक कंपनी में कितना चाहिए तो कम से कम हमको सात मेंबर चाहिए तो वो सब्सक्राइबर होना चाहिए यहाँ पर दस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इट इज द फाउंडेशन ऑफ द कंपनी यह हम बोल सकते ना कि बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट uh, होता है पेपर होता है ये होना ही चाहिए है ना ओके थैंक यू